Hello friends, my name is Prashant Saini. I am a mind excellence coach, memory trainer and a master Reiki healer. आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ अपनी रिसेंटली लॉन्च्ड बुक एम्पावर योर लाइफ विद पावरफुल टेक्निक्स ऑफ एनएलपी। सी दिस इज द बुक। ये बुक मेरी अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है और बेसिकली ये बुक क्यों लॉन्च हुई है, क्यों ये बुक आई है, इस सब के बारे में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। ये बुक बेसिकली मैंने लिखी है। मेरी ट्रेनिंग्स में बहुत सारे लोग ऐसे आते थे जो ये कहते थे कि कई बार ऐसे लोग हैं जो वर्कशॉप करना चाहते हैं बट ड्यू टू सम रीजंस दे आर नॉट एबल टू बी प्रेजेंट इन दी वर्कशॉप्स। माइट बी दे आर फार फ्रॉम द प्लेस और इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर देम टू बी प्रेजेंट देयर। सो देन आई गॉट एन आइडिया कि अभी तक जो मैंने प्रैक्टिस की है, जो वर्कशॉप में जो भी इश्यूज मैंने फेस किए हैं, जो टेक्निक्स यूज की हैं, वो लोगों तक कैसे पहुँचे, क्योंकि बिकॉज दिस इज वन ऑफ माई पर्पज कि लोगों की लाइफ को कैसे एम्पावर किया जाए। Then I got this idea to write this book. और इस बुक में कुछ बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक्स हैं जो मैं आपसे अभी डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले इसमें है NLP के बारे में कि NLP क्या है, NLP के बारे में ताकि आपको पता चले, क्योंकि NLP आज के टाइम में बहुत ईजी टेक्निक है, ईजी टू यूज है। कई बार लोगों को लगता है कि बहुत फनी टेक्निक्स हैं, लेकिन जब आप उनको यूज करते हैं तो वो सीधा आपके सबकॉन्शियस माइंड पर काम करती है। दूसरा इसमें है दी सबकॉन्शियस माइंड, कि लोगों को अक्सर ये कंफ्यूजन भी होता है कि हमारा माइंड जो है वो कॉन्शियस माइंड है या सबकॉन्शियस माइंड है, और दोनों में क्या डिफरेंस है, किस तरह से काम करता है, प्रोग्रामिंग कैसे होती है माइंड में। हमारी 90%+ जो हमारी लाइफ डिजाइन होती है वो सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू होती है। और ये हम सब जानते हैं कि जितनी भी प्रोग्रामिंग हमारी लाइफ में चल रही है, जो हमारा डेली सुबह उठना एक पैटर्न फॉलो हम करते हैं, वो ऑलरेडी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो चुका है। अगर ये प्रोग्रामिंग आपके लिए बहुत अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ हैबिट्स ऐसी हैं जो नहीं होनी चाहिए, देन दिस इज अ टाइम टू रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड। देन इट टॉक्स अबाउट द स्टेट ऑफ माइंड। जब भी आप किसी भी पोजिशन में होते हैं, जो कुछ भी आप लाइफ में कर रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द स्टेट ऑफ माइंड। अगर मैं किसी बच्चे के बारे में बात करूं, किसी स्टूडेंट के बारे में बात करूं, जब वो एग्जामिनेशन में हॉल में पहुंचते हैं तो वो बहुत नर्वस हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं, दैट इज अगेन अ स्टेट ऑफ माइंड। कई बार ये होता है कि जब वो पढ़ाई करते हैं तो वो कंफर्ट लेवल के स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, लेकिन जैसे ही एग्जाम में पहुंचते हैं तो वो लेवल उनका चेंज हो जाता है और वो एक कंफर्ट के लेवल से ऊपर उठकर दूसरे माइंड पर पहुंच जाते हैं। एंड इट इज लाइक कि अगर आपने कोई चीज ड्रॉअर ए में रखी है और आप उसको ड्रॉअर बी में एक्सेस कर रहे हैं, देन यू वोंट बी एबल टू फाइंड दैट। उसके बाद है हाउ टू हैंडल दी नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड। कैसे आप नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड को हैंडल करोगे? बहुत सारे थॉट्स हमारे माइंड में चलते रहते हैं, बट इफ यू नो दी टेक्निक हाउ टू हैंडल दोज नेगेटिव थॉट्स, देन इट विल बी वंडरफुल, यू बी एबल टू एम्पावर योर लाइफ यूजिंग दोज टेक्निक्स। उसके बाद है पास्ट पेनफुल मेमोरीज। आपका पास्ट हर किसी के साथ उसका पास्ट होता है, लेकिन अगर मेमोरीज पेनफुल हैं तो आप उनको कैसे हैंडल करोगे? देन अ प्रोटेक्शन, लाइक यूजुअली दे आर पीपल हु आर वेरी सेंसिटिव और वो बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं लोगों के वर्ड से, तो उससे आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? सेल्फ इमेज, हाउ टू अचीव द वंडरफुल रिजल्ट्स इन फ्यूचर, हाउ टू बिल्ड अ स्ट्रांग बॉन्डिंग। किसी के साथ भी अगर आपको बॉन्डिंग बनानी है सब कॉन्शियस लेवल पर, तो वहां पर आप ये भी सीखेंगे। बूस्टर ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस को इंस्टेंटली कैसे आपको गेन करना है वो आपको देखना होगा। यहाँ पर ये टेक्निक आपको वो सिखाएगी कि आप कैसे इजीली अपना कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हैं, एनी टाइम एनी वेयर बींग इन एनी पोजिशन। देन इट इज हाउ टू हैंडल नेगेटिव थॉट्स। थॉट्स हमारे माइंड के ऐसे हैं कि वो चलते रहते हैं, एंड दीज आर डायनेमिक, कभी पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है, कभी पॉजिटिव है कभी नेगेटिव। तो आप उनको पॉजिटिव थॉट्स बहुत अच्छे हैं क्योंकि वो आपको आगे के लिए बूस्ट करते हैं, आगे बढ़ने के लिए, लेकिन नेगेटिव थॉट्स हैं तो आप उनको किस तरह से चेंज करोगे? आप मूवमेंट को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप रिएक्शंस को चेंज कर सकते हैं, थॉट्स को आप चेंज कर सकते हैं टू बी पॉजिटिव इन द लाइफ। देन बिलीफ सिस्टम, जो कि हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर बहुत सारे लोगों का बिलीफ है कि पैसा हाथ का मैल है, पैसा आने से रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं, या हार्ड वर्क इज अ की टू सक्सेस। अगर मैं बात करूँ तो एक रिक्शा वाला जो है वो बहुत हार्ड वर्क करता है, लेकिन आज तक वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। सो देयर शुड बी सम रीजन, लाइक इन सबकॉन्शियस माइंड वी हैव सम beliefs
विच वी आर फॉलोइंग सिंस चाइल्डहुड, उनको आप कैसे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है रेसिपी ऑफ सक्सेस, वो लोग जो आज सक्सेस की बुलंदियों पर बैठे हुए हैं वो क्या फॉलो कर रहे हैं, क्या रेसिपी फॉलो कर रहे हैं, क्या उनकी स्ट्रेटेजी है, कैसे आप अपने आप को उनके साथ मॉडल कर सकते हैं। एंड देन हैंडलिंग कंडीशनिंग ऑफ माइंड, आपके माइंड में कोई भी कंडीशन है, लाइक बहुत सारे लोग हैं जो कुछ काम करने से पहले स्मोक करते हैं, कुछ लोगों को ओवर ईटिंग की हैबिट होती है, कुछ लोगों को एक ही जगह बैठकर खाना अच्छा लगता है, एक ही जगह सोना अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ पर उनको कहीं ना कहीं माइंड उनका कंडीशन हो रखा है। और अगर वो अनवांटेड हैबिट है तो आप उससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं, ये आप इसमें सीखेंगे। देन हाउ टू क्रिएट द ब्यूटीफुल इम्प्रिंट्स ऑफ योर फ्यूचर टाइमलाइन। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग जब मुझसे मिलते हैं तो कहते हैं कि जब वो आंखें बंद करते हैं या खुली रखते हैं, और अगर हम उनसे पूछते हैं कि आप 5 साल बाद कहाँ देखते हैं अपने आप को, तो उनके पास उसकी कोई टाइमलाइन नहीं होती। यहाँ पर आप अपनी टाइमलाइन क्रिएट कर सकते हैं। अलाइनमेंट ऑफ न्यूरॉन्स, आपका माइंड में हमारा न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट की हम बात करते हैं यहाँ पर, कि अगर आपके पास कोई ऐसी गाड़ी है या कोई ऐसा स्कूटर है, जब आप उसका ब्रेक दबाते हैं तो लाइट जलने लगती है, आप एक्सीलेटर दबाते हैं तो कार पीछे होने लगती है, तो क्या आप उस कार को लाइक करेंगे? ऑब्वियसली नॉट। तो यहाँ पर कैसे आप अपने माइंड को कंडीशन कर सकते हैं उन न्यूरॉन्स के साथ, हाउ कैन यू डू दैट अलाइनमेंट विद दोज न्यूरॉन्स, ये सारी टेक्निक्स आप इसमें सीखेंगे। और इसके साथ बहुत सारी केस स्टडीज भी हैं इसमें, जो कि रियल लाइफ से, रियल लाइफ में जो लोगों की मैंने हेल्प की है, जो लोगों को मैंने काउंसलिंग दी है, उसके थ्रू कैसे उनको सक्सेस मिली है, कैसे वो लोग हैंडल कर पाए उन सिचुएशंस को, वो सब इसमें मेंशन किया हुआ है। सो इफ यू ऑल्सो रियली वॉन्ट टू एम्पावर योर लाइफ, देन यू कैन गेट दिस बुक, यू कैन गेट दिस बुक एनी टाइम। दिस इज अवेलेबल ऑन Amazon, Flipkart, प्ले स्टोर, और ऑल्सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ये सारी टेक्निक्स ऐसी हैं जो हमारी लाइफ को एम्पावर करेंगी, आई एम श्योर। अगर आप डीप में इसको सीखना चाहते हैं, देन यू आर वेलकम टू बी अ पार्ट ऑफ माई वर्कशॉप। सो टिल नाउ, थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।